नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पिछले 4 अगस्त से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिर फूंके गए, मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं को जमकर पीटा गया। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, तब जाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींद खुली और उन्होंने हिंदुओं से माफी मांगी है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने कहा है कि हम हिंदू समाज की रक्षा नहीं कर पाए, हम उनसे माफी मांगते हैं। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को रक्षा प्रदान करने के लिए अंतरिम सरकार ने लेट लतीफी क्यों की, जबकि ये तो सबको पता था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा देने और देश छोड़ने के साथ ही ये लग गया था कि हिंदू अब वहां पर सुरक्षित नहीं है। सबको पता था कि हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच आतंकी तत्व घुसे हुए हैं, इन तत्वों के निशाने पर हिंदू समाज रहता है। वैसे सवाल यह भी उठता है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट क्यों किया गया। दरअसल शेख हसीना को हिंदुओं का हितैषी माना जाता है, इसीलिए कट्टरपंथी तत्व उन्हें कतई पसंद नहीं करते। इसकी एक वजह यह भी थी कि शेख हसीना या उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जब भी कोई संकट में आए, भारत ने उनकी मदद की, उनको सहायता पहुंचाई। यूं भी बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र राष्ट्र भारत की मदद से बना, इसीलिए भी पाकिस्तानी परस्त जो कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ हिंदुओं को लेकर नफरत थी और इसी वजह से वह हिंदुओं से छिड़ते भी थे। इसमें कोई शक नहीं है कि शेख हसीना ने अपने राज में जमकर भाई भतीजावाद चलाया और उन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप भी खूब लगे, इसीलिए बांग्लादेश की अधिकांश जनता उनसे नाराज थी। ये अलग बात है कि उनके राज में बांग्लादेश का जो निर्यात था वो बढ़ा, दुनिया भर में बांग्लादेश में बने कपड़ों की खूब डिमांड बढ़ी, लेकिन इस निर्यात का लाभ सिर्फ जो शेख हसीना थी उनके रिश्तेदार और नातेदारों को ही मिला। बांग्लादेश के मजदूरों को उतना वेतन नहीं दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता, लेकिन इन सब में वहां का हिंदू भी तो पिसा। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंदुओं पर फिर से हिंसा की गई, यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर दोहरा अत्याचार हुआ है। मतलब ये कि बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेशी होने के बाद भी ठगा गया, लूटा गया, प्रताड़ित किया गया।